जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। आत्मदर्शन टीवी के समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज का सुसमाचार पाठ संत लुकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 12। इस पाठ में प्रभु हमें कुछ खास शिक्षाएं देते हैं। उनमें प्रमुख है प्रभु की गवाही देने की बात, उनका साक्ष्य देने की बात। प्रभु कहते हैं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। कई लोग ऐसे सोचने वाले हैं, कहते हैं मेरा विश्वास, मेरी आस्था, मेरी भक्ति व्यक्तिगत मामला है, मैं उसका प्रदर्शन करना नहीं चाहता, मैं गुप्त तरीके से, निजी तरीके से अपना विश्वास को जीता हूं। हाँ, प्रभु यीशु ने भी कहा है अपनी आध्यात्मिकता का प्रदर्शन ना करो, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी भक्ति का ढिंढोरा ना पिटवाओ। लेकिन प्रभु निश्चित तौर पर हमें समझाते हैं, बताते हैं कि जो विश्वास हम में है, यदि हम मानते हैं प्रभु यीशु हमारे गुरु और प्रभु है, तो हमें इस बात को प्रकट करना होगा, साक्ष्य देना होगा। और कैसे साक्ष्य दे? यदि कोई सोचे कि मुझे दूसरों के सामने इन बातों को प्रकट नहीं करना है, तो वो कहते हैं वो गलत होगा। हमें अपने विश्वास को, अपने प्रभु को दूसरों के सामने दिखाना है। कभी कभार हम में से ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को एक ख्रिस्तीय बताने में शर्माते हैं, खास करके जब हम ऐसे प्रांतों में रहते हैं जहां ख्रिस्तीय आबादी ना के बराबर है, अधिकतर लोग अन्य धर्मावलंबी हैं। उनके सामने कभी कभी मैं एक ईसाई हूं, ख्रिस्ती हूं बताने में डर महसूस करने वाले भी हमारे बीच हैं। हम प्रभु की गवाही कैसे दें, प्रभु का साक्ष्य कैसे दें? कई तरीके हैं। सर्वप्रथम हम हमारे सामुदायिक गतिविधियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, आराधनाएं हैं, उदाहरण के लिए रविवारीय मिसा बलिदान, उसमें हम नियमित रूप से, सक्रिय रूप से भाग ले, वो हमारे ख्रिस्तीय गवाही का एक तरीका है। इसके अलावा समय समय पर रिट्रीट्स, कन्वेंशंस इत्यादि आयोजन होते हैं, जिसमें प्रभु की खुलम खुला आराधना करने का, स्तुतिगान करने का हमें मौका मिलता है, उसका भरपूर हम फायदा उठाएं। इसके अलावा हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यस्थलों में, जहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताना, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताना, और इससे भी ऊपरी मैं समझता हूँ हमारे अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, हमारे जीवन से प्रभु यीशु की गवाही दें। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, दूसरों के सामने हमारा आचरण ऐसा हो
जो बिल्कुल सुसमाचार के मूल्यों पर आधारित हो। हमारा व्यवहार, हमारे आचरण देखकर दूसरे लोग ये बोल पाए कि हाँ, यह एक सच्चा ख्रिस्तीय है, ये एक ईसाई है, यह प्रभु ईसा की शिक्षाओं के अनुरूप चलते हैं। यदि हम ऐसे कर पाए तो प्रभु का वादा है कि हम प्रभु हमें स्वर्गदूतों के सामने खुलम खुला स्वीकार करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पूरा पूरा प्रयास करें, प्रतिदिन कोशिश करें कि हम अपने ख्रिस्तीय व्यवहार के द्वारा, सुसमाचार पर आधारित हमारे आचरण के द्वारा, हम प्रभु का साक्ष्य दें, सुसमाचार का साक्ष्य दें।